नमस्ते भाईलोग, आज मैं कॉमी वन का बारे में बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक लड़का को लेके आया कॉमी वन को। नमस्ते नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। आपका नाम? बिपिन बिष्ट। बिपिन बिष्ट किधर का है भाई? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड, ठीक है, अच्छा है। आप आपका टोटल इन्फॉर्मेशन, आपका कॉमी वन का जर्नी कम्प्लीटली चाहिए क्योंकि उन लोग का हेल्प होता है। पहले आप किधर काम किया भाई इंडिया में? मैंने इंडिया में किया, पहले मैंने डिप्लोमा किया। एजुकेशन क्या है? इंटर पास किया था, उसके बाद डिप्लोमा किया, 1 ईयर डिप्लोमा, उसके बाद 6 मंथ क्या ट्रेनिंग किया था 5-स्टार होटल में लखनऊ, फिर उसके बाद दिल्ली में काम किया, फिर मुंबई में काम किया मैंने, और फिर मुंबई में काम किया, मुंबई में मैंने 7 साल काम किया ओलिव ब्रेस्टो में, इटालियन होता रेस्टोरेंट। तो उसके बाद मैंने क्रूज लाइन के लिए अप्लाई किया, तो मिल गया। पोजीशन में ज्वाइन हुआ? मैं हुआ था कॉमी टू के लिए। कॉमी टू के, और सुना है ना कॉमी टू के अप्लाई किया अभी? अभी ये तो आप कॉमी वन है? हाँ, अभी मैं कॉमी वन हूँ। अच्छा, प्रमोशन मिल गया। मैं जब येलो स्कैप आया था तभी मेरे को कॉमी वन प्रमोशन हो गया था। हाँ, अभी वो बता, अभी क्रूज लाइन में मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है किचन में? किचन में कॉमी थ्री, सबसे नीचे। हाँ, नीचे लेवल का कॉमी थ्री है। कॉमी थ्री का ऊपर कॉमी टू, कॉमी टू का ऊपर कॉमी टू के ऊपर कॉमी वन, ऊपर उसके बाद सीडीपी थ्री, सीडीपी टू, सीडीपी सीडीपी वन, सीडीपी वन, और उसके बाद शू शेफ, शू शेफ, उसके बाद बस, उसके बाद आ गया ना, समझ गया ना? कॉमी वन, कॉमी थ्री, कॉमी टू, कॉमी वन, सीडीपी, सीडीपी, डीसीडीपी नहीं रहते हैं ना? नहीं, इधर वो इंडिया में, इंडिया में अलग अलग में अलग। सीडीपी के बाद शू शेफ, शू शेफ के बाद एग्जीक्यूटिव। सिंपल है यार कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको भी प्रमोशन मिल जाएगा। बहुत बंदा मैं देखा है, यही है भाई लोग। मतलब भाई अभी कॉमी वन का काम क्या है वो बताओ मेरे को। कॉमी वन का क्या काम क्या है? कॉमी वन मतलब जो हम खाना बनाते हैं, जैसे मैं इधर उसमें था जेमीज इटालियन में मैंने काम किया शिप लाइन में, तो मेरा उधर काम था कॉमी वन का, इधर होममेड पास्ता बनता था, फ्रेश पास्ता मशीन से निकालते हैं और वो कट करके बनता था। तो कॉमी वन का काम होता कि आप मतलब एनी कुछ भी कॉमी वन, हाँ, उसको कॉमी वन का क्या होता है? उसका काम ये है कि मतलब तूने आपने मतलब खाना बनाना है बोल तो, और जो कॉमी टू का काम होता है उसके बाद उनका काम उनकी हेल्प करना होता है बोल तो, जो कॉमी टू होता है कॉमी वन की हेल्प करता है। कॉमी टू कॉमी वन का हेल्प, कॉमी वन का हेल्प, कॉमी थ्री कॉमी टू को हेल्प, कॉमी टू ऐसा रोटेशन है, रोटेशन आपका। फिर हमारा काम क्या है? हमारा काम सीडीपी की हेल्प करने का, सीडीपी की हेल्प करना, समझ गया ना? स्टेप बाय स्टेप लाइन बहुत अच्छा है जो कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, जो कि इंडिया से आ रही है, क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये मिलता है, इधर भी बहुत अच्छा पगार, इधर क्या अच्छा पगार है, अच्छा पगार सुन रहा है ना? आते मैं वापस पूछो मत कितना पगार है बोल के, अच्छा पगार, अच्छा पगार है तो अच्छा है, टेंशन मत लो, इतना पैसा मिलता है नहीं बोलने के भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैसा, 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना क्या 6 गुना ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा है, इससे ही काउंट कर लो आप, 6 गुना ज़्यादा है बोल के। और क्या शिप लाइन का एक्सपीरियंस कैसा है? बड़ी शिप में काम करोगे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या प्रमोशन ग्रोथ मतलब भाई, मैं एक अच्छा बात सुना था, बहुत बंदा मैं क्यों मेरा दोस्त लोग बोलते हैं, अरे अन्ना आपको क्रूज लाइन आने को इंटरेस्ट नहीं है, हम इंडिया पे ही रहेगा, इंडिया पे, क्योंकि क्रूज लाइन में शिप का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, शिप का एक्सपीरियंस क्रूज लाइन में काउंट नहीं होता है, अभी हम आएगा तो उधर ही फंसेगा, दिन भर वही काम करना पड़ेगा, दिन भर एक ही काम है, हाँ, प्रमोशंस नहीं, इंडिया आएगा तो वापस स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। मैं इसमें एक अभी तू क्या बोलेगा उनके लिए? एक बात बोलूंगा कि क्योंकि इंडिया में हम लोग काम 10 साल काम करें तो उतना पैसा है, इधर 2 साल में उतना पैसा है। इंडिया में हम काम करते हैं, 1 साल काम करते हैं, 1 साल में हमको 10 से 15 दिन की छुट्टी मिलती है बराबर, और इधर शिप लाइन पे काम करे 8 महीने काम करे तुम 3 महीने की छुट्टी मिल रही है तुमको, हफ्ता को भी मिलता है ना उधर, हाँ। छुट्टी भी वीकली ऑफ भी है ना घर पे, हाँ। लेकिन इधर नहीं है ना, लेकिन इधर नहीं है वीकली ऑफ, इधर क्या, इधर आपको मनी 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 मतलब मैं आपका इंटेंशन समझ गया, मतलब इंडिया में 10 साल काम कितना करेगा तो इधर 3 साल में, इधर 3 साल में मतलब बाकी 7 साल तू कुछ भी करो, कुछ भी करो वही है ना, बता ना, अच्छा है ना, अच्छा इन्फॉर्मेशन बताया ना भाई, मतलब समझ गया ना, बहुत बंदा लेकिन बहुत शू शेफ एग्जीक्यूटिव शेफ बनने वाला है तो आप, लेकिन बड़ा पोजीशन इंडिया लेके भी आ सकता है ना? हाँ, बड़ा पोजीशन आप लेके भी आ सकते हैं, आप इधर इधर शू शेफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत जन आए हैं तो अप्लाई करो भाई, बहुत जन, लेकिन मैं एक ही चीज़, अभी कौन सा भी पोजीशन दिखेगा तो ना किधर भी, ना कार्गो हो, कंटेनर हो, कुछ भी, कुछ भी हो, शेफ का पोजीशन पहले निकालता है, बहुत भी निकालता है, क्योंकि क्या है खाना ही सबसे पहले है ना, शिप में रहोगे तो खाना आपको पहले चाहिए, इंडियन को ही बहुत प्रेफरेंस है, मैं दिखाया बहुत सारा इंडियन से, इंडियन इधर
बहुत ज्यादा इंडियन है अभी हमारे। तो आपका अच्छा एनवायरमेंट में रहेगा, आपका अप्लाई करना चाहिए तो अप्लाई करो, शब का प्रॉब्लम नहीं था बहुत। अभी सुनो, मैं आने से पहले मेरे को बहुत बंदा डरा दिया, मतलब सुनता है, मतलब दोस्त लोग बराबर, अरे 14 आवर्स काम है शिप में, क्या बोलते हैं 18 आवर्स काम है, किधर मर जाएगा वो जाएगा, इधर आके देखेगा तो उतना नहीं है भाई। अरे यार 9-10 घंटे का काम है प्लस ओवरटाइम भी, ओवरटाइम है, ओवरटाइम का अलग पैसा मिलता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, दोस्त लोग किसी को पता नहीं है वो बोलते हैं सुनाओ मत, आपका एक नॉलेज से बन, आपका दोस्त लोग को पूछो कोई को काम करने वाला क्रूज लाइन पे, तो ना नॉलेज बना, इजी है ना भाई, ये तो बहुत बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई। अभी कौन सा शेफ का डिपार्टमेंट में कोई लड़का आना चाहिए तो आप क्या सजेशन देते हैं, मतलब एग्जांपल क्या, परफेक्ट फाइनल आंसर क्या देता है? मैं तो क्या यही देना चाहूँगा कि आजकल ऑनलाइन सब कुछ है, ऑनलाइन से आप अप्लाई कर सकते हैं क्रूज में आने के लिए, और बेस्ट है आपके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई सा भी पोजीशन हो, कॉमी वन हो, शूशेफ हो, CDP हो, कोई सा भी पोजीशन हो, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्या, अगर आप शिप में आना चाहते हैं या पूरा वर्ल्ड को घूमना चाहते हैं तो बेस्ट है शिप के लिए। आप क्या, आपको खाना भी मिल रहा है इधर, घूमने को भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पैसा भी, तो पैसा इम्पोर्टेंट है भाई, पैसा इम्पोर्टेंट है, वो तो है, लेकिन कोई कोई क्या आता है घूमने के लिए आता है पूरे वर्ल्ड में, वही उनके लिए बेस्ट है। उनके लिए मैं बेसिकली बोलना चाहूँगा जो पूरा देश को घूमना चाहते हैं, दुनिया को घूमना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। अच्छा भाई लोग, मेरा ये एक सजेशन है, कोई भी टीनेजर, मतलब ये शादी होने के बाद अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन टीनेजर्स फटक से आप ये सिचुएशन को कैच करेगा तो ना बहुत हेल्प होता है आपको। होटल मैनेजमेंट होने के बाद ढूंढो क्रूज लाइन में कैसा आने को, मेरा चैनल बहुत हेल्प होता है, बहुत सारा चैनल हेल्प होता है, ढूंढने के बाद आपको ईजी हो जाएगा। चलो और क्या, क्रूज वाला अन्ना सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।